परवरदिगार आलम ने इसमें आजम इंसानों को नहीं दिया है। अगर इसमें आजम परवरदिगार आलम ने किसी को अता किया है तो वो कौन है? आइमा अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम अपने मुकर्रब बंदों में से बहुत खास चुनीदा लोग हैं, बहुत कम लोग जिन गिनती के लोग हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने इसमें आजम तालीम फरमाया है, तालीम दिया है। लेकिन रिवायत है छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो कलिमा इसमें आजम से सबसे ज्यादा करीब है, यानी इंसान की आंख का जो डेला है, आई बॉल है, उसके अंदर एक काला हिस्सा है और एक सफेद हिस्सा है। ये काला हिस्सा सफेद हिस्से से आके जिस जगह पे मिलता है वो एक लाइन है। अब काला हिस्सा और सफेद हिस्सा जब मिल जाए तो दरमियान में कितना गैप होगा, कितना फासला होगा? कोई फासला नहीं, मिले हुए हैं बस, बहुत मुख्तसर सा फासला हुआ तो हुआ। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जितना इंसान की आँख के अंदर सफेद हिस्सा और काला हिस्सा के दरमियान जितना फासला है, बस समझ लीजिए इतना ही करीब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कलिमा इसमें आजम से। कितना करीब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आजम से? लिहाजा अपने किसी काम को बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े इंसान को शुरू नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि रिवायतें मिलती हैं, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की रिवायतें, कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत के बगैर किसी काम को आगाज कर देता है, शुरू कर देता है, फहुआ अबतर कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युब्तदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहुआ अबतर। कोई ऐसा काम कि जो मुहिम काम था, इंपॉर्टेंट काम था, और उस काम का आगाज बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े किया तो शुरू तो कर लोगे मगर वो इख्तिताम पजीर नहीं हो पाएगा ज्यादातर केसेस के अंदर, इल्ला ये कि परवरदिगार आलम का खास फजल व करम जो कि बहुत हर बंदे के शामिल हाल हो सकता है और हो जाता है अगर वो शामिल हाल हो जाए तो। लेकिन इंसान ने गलती जरूर की है बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े किसी मुहिम बड़े काम का आगाज कर देने से। लिहाजा इंसान खाना खाता है, लुकमा लेने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कलमा हम ये तो तय है कि इस कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फजाइल से गाफिल हैं, तय बात है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। ये एक छुपा हुआ परवरदिगार आलम का ख़जाना है और उलमाए कराम के जिनसे जब जाकर पूछा गया कि मेरी फला मुश्किल है उसके हल के लिए क्या करूं, कहा कि अगर हो सके तो हर रोज नमाज फजर के बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तलावत किया करो, इसी नीयत से कि परवरदिगार मेरी इस मुश्किल को हल करते।